नमस्कार दोस्तों, वीकली निफ्टी व्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब के द्वारा अपडेट किया था कि इस हफ्ते से मैं निफ्टी व्यू जो है वो एक वीडियो के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हम इसके मिसयूज़ को रोक सकें। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि कोई भी सिस्टम या सेटअप जो है परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे मिसयूज़ की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आपको कोई ऐसा मिसयूज़ दिखाई देता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और ये जो दोस्तों एनालिसिस है, ये केवल एक लर्निंग और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप यहाँ पे निफ्टी के ऊपर कोई भी बाय सेल या होल्ड का व्यू लें इस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, आप उस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए और अपना एनालिसिस खुद करिए। यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए या जो भी हम सीख चुके हैं इस चैनल के ऊपर उसको आपके साथ शेयर करने के लिए प्रैक्टिकल वे में ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे मेरी तरफ से आपको कोई भी सजेशन या सलाह नहीं है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना निफ्टी एनालिसिस। और काफ़ी दर्शकों ने कहा कि आप जो लिख के शेयर करते हैं उसकी बजाय अगर आप वीडियो के द्वारा शेयर करेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। तो फिर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये केवल एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेरा काफ़ी समय जाता है तो मुझे अपना समय भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइप करके शेयर करना है तो वो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर वीडियो बना के शेयर करना है तो वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, उसको आपको एडिट भी करना होता है और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा जाता है। तो मैं केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको शुरू कर रहा हूँ और देखूँगा किस तरीके से इसका मिसयूज़ रोका जा सकता है। अगर मिसयूज़ पूरी तरीके से रुक जाता है तो मैं वीडियो के द्वारा ही आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। जैसा कि आप अपने राइट हैंड साइड पे आप माउस या कर्सर के ऊपर फोकस करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करें, जब भी इस तरह की कोई बियरिश डाइवर्जेंस बनती है तो नॉर्मली निफ्टी जो है एक कम से कम 1000 पॉइंट्स की गिरावट ज़रूर दिखाता है। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट चालू है तो इंडेक्स मैनेजमेंट का कैसे पता लगता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है और उसके बाद निफ्टी जो है 1000 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कम से कम अगर हम बैक टेस्ट करें इसको गिरावट दिखानी चाहिए। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि डाइवर्जेंस को निफ्टी ज़रूर फॉलो करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुछ समय पहले निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर भी डाइवर्जेंस दिखाई थी, तो मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूँगा यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेली चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस बनी थी इस एरिया के अंदर, उसके बाद निफ्टी ने आपने देखा कि लगभग तो 700-800 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट इसने दिखाई थी। तो दोस्तों, डाइवर्जेंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 जून को एक मारुबोजू टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी है और मारुबोजू जो कैंडल होती है इसके बारे में हम प्राइस एक्शन सीरीज़ में चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी रिलायबल पैटर्न होता है या कैंडल होती है ये, प्राइस एक्शन में इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे आप डेली चार्ट के ऊपर मारुबोजू कैंडल देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो फ्राइडे की ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बेसिकली अपने 20 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ से इसने बाउंस बैक लिया। तो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं इसको काफ़ी महत्व देता हूँ। आपने मेरे निफ्टी व्यू के अंदर भी इसको पढ़ा होगा कि मैं इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंस देता हूँ और ये जो है इसको काफ़ी जिसको कह लीजिए कि रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 20 पीरियड का इसने तोड़ा नहीं, यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग जो है दोस्तों सेंटिमेंट्स की वजह से होती है, इसके बारे में हमें मालूम है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, तो इस गैप को फिल करने निफ्टी जो है ज़रूर
आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है और मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि इस गैप को फिल करने निफ्टी ज़रूर आएगा। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। रिलायंस के बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। नॉर्मली रिलायंस और निफ्टी का जो मूवमेंट होता है उसके बीच में एक बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन होता है, तो ये जो स्ट्रांग कोरिलेशन है दोस्तों, वो आप रिलायंस के साथ, आप अगर जो भी निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, उन सब में सबसे ज़्यादा कोरिलेशन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, क्योंकि मैं सभी स्टॉक्स का इंडिविजुअली कोरिलेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरिलेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। तो ये मैंने जैसा कि आपको कम्युनिटी टैब के द्वारा अपडेट किया था, यहाँ पे रिलायंस के साथ आप इसका अगर कोरिलेशन मान के चलें तो रिलायंस यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.23% गिरा। एक इंडेक्स का जो हैवी वेट स्टॉक है उसका इतना ज़्यादा गिरना जो है, और जिसका खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो, वो भी एक बेयरिश साइन होता है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सबसे हाईएस्ट वेटेज थी निफ्टी 50 में, लेकिन पिछले महीने से ये वेटेज जो है नंबर 2 पे आ चुकी है, और इस समय सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो HDFC बैंक की है। ये भी एक चिंता का कारण है। दोस्तों यहाँ पे आपको एडवांस टू डिक्लाइन रेशो, जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो डिक्लाइन जो है वो ज़्यादा होने चाहिए एडवांस के मुकाबले, मार्केट ऊपर जा रही है तो एडवांस ज़्यादा होने चाहिए डिक्लाइन के मुकाबले। तो इस रेशो को भी मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूँ निफ्टी 50 के लिए और ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेशो काफ़ी समय से फेवरेबल नहीं है। बीच में जो है पिछले हफ्ते शायद ये फेवरेबल थी, लेकिन वो एक बहुत टेम्परेरी एक मोमेंट था। तो यहाँ पे ये रेशो आप इस समय देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के लिए ये रेशो, अगर हम केवल फ्राइडे की बात करें तो 0.68 है। अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ये नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, NSE के लिए एडवांस जो है 626 हैं और डिक्लाइन जो है 983 है। मैं केवल फ्राइडे का यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ, लेकिन आप अगर वीकली डेटा इसका रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है तो मुझे वहाँ पर एक समरी के तौर पर मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 0.63 है ये नंबर। अब आप कहेंगे कि भी हो सकता है कि ये मार्केट का नेचर हो, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पास्ट के डेटा पॉइंट से चेक करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप पिछले महीने का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे, जिसको मैं हर रोज़ जो है ट्रैक करता हूँ, तो पिछले महीने का जो एवरेज था 0.75 था, तो इस महीने जो है ये नंबर उससे भी कम है, और जबकि मार्केट आप देख रहे हैं ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये जो है ये एक संकेत होते हैं, ये सिग्नल होते हैं कि इस समय जो मार्केट के अंदर अंडर करंट है वो बियरिश है, इसलिए मेरा व्यू जो है मार्केट के प्रति बियरिश है। 100-200 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बुलिश हो जाती है। मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ वापस आई, लेकिन मार्केट ने जैसा कि उम्मीद थी उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं किया। तो आपको अंडर करंट्स को देखना है कि इस समय क्या अंडर करंट्स चल रहे हैं, और एडवांस टू डिक्लाइन रेशो अगर आप पास्ट जो है डेटा के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर व्यू मिलेगा। अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखेंगे तो शायद इतना क्लियर व्यू ना मिले, तो आपको देखना पड़ेगा पिछले महीने की एवरेज क्या थी, इस महीने एवरेज क्या चल रही है। तो ये आपको एक संकेत देती है कि मार्केट जो है बियरिश है या बुलिश है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम कैश का डेटा भी देख लेते हैं। तो कैश सेगमेंट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक और चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग नंबर देते हैं, तो यहाँ पे मैं किसी भी सोर्स को सही या गलत नहीं बता रहा। मैं पर्सनली अपने एनालिसिस के लिए एक पेड सोर्स का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं केवल आपको वही सोर्स दिखा रहा हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं या जिनके ऊपर आप अपना रिलायबिलिटी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप देखिए कौन सा डेटा आपको ज़्यादा रिलायबल
लगता है। तो दोस्तों मैं काफ़ी समय से, मतलब आप जो दर्शक मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय तब होता है जब FII और DII दोनों नेट सेलर हो जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस समय मार्केट में कि FII और DII दोनों नेट सेलर थे बीच में 2 दिन के लिए। और यहाँ पर ये जो बाइंग का डेटा है 179, ये काफ़ी कम नंबर है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा बियरिश साइन है कैश सेगमेंट के अंदर। दूसरा दोस्तों, FIIs जो हैं इस समय इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बाइंग कर रहे हैं, ये मैं आपको पिछले कुछ लाइव एनालिसिस या लाइव स्ट्रीमिंग या जो भी एनालिसिस हैं उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। कैश में वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर को बाय कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है कि इस समय मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही है। तो मैंने जैसा कि एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपको बताया था कि जो ये इस तरह की इंडेक्स मैनेजमेंट होती है, इसमें मार्केट के अंदर गिरावट को रोकने के लिए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बाइंग की जाती है और कैश सेगमेंट के अंदर सेलिंग की जाती है, ताकि स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नीचे ना गिरे। और यहाँ पे जैसा कि रिलायंस का भी मैंने आपको स्टॉक दिखाया थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे, तो इंडेक्स मैनेजमेंट का इस समय हमें 100% कंफर्मेशन है कि जो मार्केट में मूव था ये इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से था। और दोस्तों एक और ख़ास बात कि जो आपके FIIs हैं या स्मार्ट मनी है वो स्टॉक फ्यूचर को सेल कर रहा है, इसका मतलब वो स्पेक्यूलेटिव पोजीशंस बना रहे हैं वहाँ पे, उनको ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द मनी में अगर आप 11,800 और 11,850 पे देखें कॉल साइड पे, यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनी है। तो अगर सेलिंग की जाती है ऑप्शन की तो वो सबसे बेहतर होता है कि आप ATM के आसपास करें, जैसा कि मैं अपने ऑप्शन चेन के काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, या थोड़ा सा इन द मनी में भी करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस कहता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ली गई हैं 11,800 और 11,850 के ऊपर कॉल साइड में, जो ये सेलिंग की गई है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट किया गया है, इसका मतलब मार्केट के नीचे जाने की संभावना, ऐसा अनुमान है जिन बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली है। और यहाँ पे अगर आप कॉल साइड पे देखेंगे 11,900 और 12,000 के ऊपर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया गया है। अगर आप पुट साइड पे देखेंगे 11,800 पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी लॉन्ग जो है पोजीशंस बनाई गई हैं। तो दोस्तों अब काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि भाई ये कैसे पता लगता है कि ये लॉन्ग है या ये पुट है। भाई देखिए क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर्स को सेल करना होता है वो नॉर्मली उस जगह पे या उस स्ट्राइक प्राइस पे सेल करते हैं जहाँ पे उनको बायर दिखते हैं। तो बायर कहाँ पे होंगे, रिटेल निवेशक कहाँ बाय करेंगे? अगर वो मार्केट के लिए बुलिश हैं तो डेफिनेटली वो 12,000 पे जो है कॉल को बाय करेंगे। जब तक बायर नहीं होगा तो कोई सेल कैसे करेगा? तो यहाँ पे हमेशा एक बेसिक थंब रूल ध्यान रख के चलिए कि जो सेलिंग है वो बड़े प्लेयर करते हैं, वो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके, जिसको कह लीजिए कि सेंटिमेंट्स का वो लाभ उठाते हैं कि वो इस समय बुलिश हैं या बियरिश हैं, उस हिसाब से जो बड़े प्लेयर्स का आकलन होता है कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनेंगी, आपको कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखेगी, मार्केट स्मूदली ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, शॉर्ट पोजीशंस दिखेंगी। तो दोस्तों ये सब बातें जो है आप एक्सपीरियंस से जान सकते हैं, सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हर बार जो है ऑप्शन चेन एक अलग तरीके से बनती है, तो आप एक थंब रूल नहीं लगा सकते कि इस बार भी वैसा ही हो रहा है, पिछली बार तो वैसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हो रहा है, तो ये सब रूल यहाँ पर काम नहीं करते। आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन चेन का एनालिसिस, फ्यूचर्स का डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आपको ये देखना है कि इस समय FIIs कहाँ पे एक्टिव हैं, तो यहाँ पे एक FNO का जो ये टैब है आप यहाँ देख सकते हैं कि FIIs जो इंडेक्स फ्यूचर, अब देखिए डेटा यहाँ पे अलग अलग होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप अगर जो है डेटा उसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि इस समय ऑप्शंस में जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, फ्यूचर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले निफ्टी व्यू में भी बताया था कि जो भी पोजीशंस क्रिएट की गई थी बाय की उनको स्क्वायर ऑफ कर दिया गया था, तो इस समय
जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो ये बता रहा है कि ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय FIIs या स्मार्ट मनी। आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी कौन है। तो ओवरऑल दोस्तों, हम ये पूरा एनालिसिस का अगर निचोड़ निकालें, समरी निकालें, तो इस समय जो है व्यू मार्केट के प्रति एक बियरिश दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर या ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, और यहाँ पर मार्केट के बियरिश रहने की संभावना है। इंडेक्स मैनेजमेंट अभी भी चल रही है, जब तक इंडेक्स मैनेजमेंट चलेगी तब तक मार्केट 100-200 पॉइंट्स की रेंज में घूमती रहेगी, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो बियरिश हैं। मारुबोजू कैंडल की तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था इस हफ्ते का निफ्टी व्यू। आपसे अनुरोध करूँगा कि किसी के साथ शेयर मत करिए, ये आपके पर्सनल लर्निंग और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं शेयर करता हूँ। अगर आप इस तरीके से इसको पब्लिक डोमेन पे शेयर करेंगे या लाइव स्ट्रीमिंग में इसकी चर्चा करेंगे, तो दोस्तों जब भी इस तरह का कोई काम होता है तो वो व्यू जो है काम नहीं करता, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको केवल लर्निंग और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको एनालाइज करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये व्यू आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा आपकी लर्निंग को इंक्रीज़ करने में और नॉलेज को बढ़ाने में। तो दोस्तों, इस हफ्ते का निफ्टी व्यू मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आप अपना कमेंट नीचे लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो के द्वारा ये निफ्टी व्यू, और अगर इसके अंदर आप कोई भी सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट के द्वारा मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी व्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। ये पोस्ट केवल मेंबर्स के लिए थी, तो अगले हफ्ते हम फिर अगले निफ्टी व्यू में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि अगला हफ्ता आपके लिए काफ़ी मुनाफे वाला होगा।